तो चलिए हम आज की वीडियो में जानते हैं जो श्रम कार्य के फायदे क्या क्या हैं, इसके फायदे कौन कौन उठा सकते हैं और इसमें मेन पॉइंट है कि क्या विद्यार्थी इस श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और उनको फायदा मिलेगा कि नहीं। तो चलिए आपको पहले हम फायदे बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं विद्यार्थी इसमें बनवा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको 2 लाख रुपये इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक। और छोटी मोटी दुर्घटना होती है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, और दुर्घटना की स्थिति गंभीर हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा, ठीक। और लेकिन वही पर दुर्घटना का स्थिति कम हो तो यहाँ पे 1 लाख रुपये मिलेगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है बाई द वे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा। अब चलिए और भी घटनाएं जानते हैं। उसके बाद जो श्रमिक श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपना ई श्रम कार्ड बनवाएंगे, उन्हें सरकारी योजना का लाभ सबसे पहले दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सरकारी योजना आपके गांव में आती है और वो काम से रिलेटेड आपका श्रमिक कार्ड है तो उसका लाभ आपको पहले मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर है, उनको 20 रुपये प्रति मिलेगा, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री में बनेगा और जो बनाएगा उसको 20 रुपया बनेगा। जहाँ पर CSC पर अगर बनवा रहे हैं उसको 20 रुपया रजिस्ट्रेशन कराने पर उसको मिलेगा, आपको फिर एक भी पैसा जमा नहीं करना है। और लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया है, इस कोड के आधार पर मजदूर को सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। जो आपका श्रम कार्ड बनेगा उस कोड के आधार पर आपको सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से श्रम योगी मानधन योजना का भी लाभ उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का भी लाभ उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का भी लाभ आप उठा सकते हैं अगर आपके पास श्रम कार्ड है तो। इसमें अगर श्रम कार्ड आपका बन गया तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, आप जैसे आप श्रम कार्ड का फोटोकॉपी लगाएंगे वो आपके पूरा डाटाबेस आ जाएगा कि हाँ ये काम करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा लाभ है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि श्रम कार्ड की पात्रता क्या है, मतलब कौन कौन बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी उम्र 16 वर्ष और 59 वर्ष के बीच में वही बनवा सकते हैं, और 59 वर्ष की अधिक उम्र हो गई है तो वो नहीं बनवा सकते। इसका मतलब ये हुआ जिनको पेंशन मिलता है वो नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि नहीं बनवा सकते हैं कि 60 वर्ष से ऊपर वाले को भी पेंशन मिलता है तो वो नहीं बनवाएंगे। और इसमें मेन बात आती है क्या विद्यार्थी बनवा सकते हैं, तो विद्यार्थी में कोई भी NOC ऐसा टेबल नहीं है जहाँ पर विद्यार्थी के लिए आया है, तो आप विद्यार्थी हो तो आप बनवा नहीं सकते हैं। और लेकिन अगर बनवा लिए हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, आपको पैसा मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या दस्तावेज लगने वाले। तो पहला आपका आधार कार्ड एकदम कंपलसरी है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, बैंक के पासबुक, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो लगेगा। अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है तो काम चल जाएगा, आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं लिंक है तब भी आपका बनेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट के द्वारा ही बनेगा, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ई श्रम कार्ड पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन है तो आप मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एकदम आसान है, मात्र 5-6 मिनट लगेगा, तो आप जाके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें।